टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसिस चमोली ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ देहरादून सेंट्रियो मॉल, जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है 15 अक्टूबर को। तो अभी मैं उसकी पार्किंग में, बहुत ही ज़बरदस्त मॉल खुला है, बहुत ही अच्छी, और सबसे अच्छी बात है फ्री है, फ्री पार्किंग है, नो पेड पार्किंग है। तो आपको घुमाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग होने वाला है। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर, कौन कौन से ब्रांड हैं। ठीक है, तो लेके चलते हैं आपको सेंट्रियो मॉल। तो दोस्तों, पार्किंग से अब चलते हैं हम मेन एंट्रेंस में। तो सबसे पहले हम एंट्रेंस जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाहर से ये मॉल किस तरीके से दिखता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो काफ़ी ह्यूज लग रहा है यार ये मॉल ना, सच बताऊँ तो। पैसिफिक से काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अब अंदर देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांड है, कौन कौन से ब्रांड हैं और ओपन कौन कौन से हैं। एक्चुअली टाइम लगता है किसी भी मॉल को, ऐसा नहीं है कि मतलब मॉल ओपन हो गया तो सारे ब्रांड भी ओपन हो गए। तो ब्रांड का ये कि अभी कुछ कुछ चल रहे होते हैं, कुछ बंद होंगे, कुछ ओपन होना होगा, है ना। हाँ जी, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, अंदर भी नहीं है, सॉरी। सो दोस्तों, सेंट्रियो मॉल में आके हमें पता चला है यहाँ पे ब्लॉगिंग अलाउड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अभी बहुत से ब्रांड्स हैं जिनकी अभी ओपनिंग भी नहीं हुई है। तो अगर हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे किसी के आगे तो उनका इम्पैक्ट नेगेटिव भी जा सकता है। तो कोई नहीं, सबके अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। तो हम यहाँ पे अब ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग अंदर भी नहीं जा रहे हैं। जब ओपन हो जाएगा प्रॉपर तब हम जाएंगे। तो फिलहाल हमें करनी है अपने घर की कुछ शॉपिंग। तो हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि मुझे वहाँ पे होम डेकोर वगैरह का कुछ सामान खरीदना है। तो हम लोग सीधा निकलते हैं विशाल मेगा मार्ट और मिलते हैं आपसे वहीं पे। दोस्तों, मूड बहुत ही ख़राब हो गया, क्योंकि हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए थे कि हम यहाँ सेंट्रियो मॉल का ही ब्लॉग बनाना है, ताकि हमारे जो भी ब्लॉग्स देखते हैं उनके पास जल्द से जल्द पहुँच सके कब किस मॉल की ओपनिंग हुई है और मॉल कैसा दिखता है। सो बट यहाँ पर बहुत सी पॉलिसीज़ हैं इनकी, इन्होंने मूड ख़राब तो कर ही दिया, बट कोई नहीं, हम तो कहीं और बनाएंगे। दोस्तों, ये है सेंट्रियो मॉल ऑफ देहरादून। काफ़ी ब्यूटीफुल तो खुला है, बट इनकी पॉलिसीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो इनसाइड द मॉल। सो हम लोग अंदर जाए बिना ही घर से निकल रहे हैं यहाँ से अपने और काम, क्योंकि क्या फ़ायदा अंदर जाकर इतने आपकी, मतलब क्या है, मॉल है, हर कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए तो आता है आज के ज़माने में, बट आपकी पॉलिसीज़ इन सबसे ऊपर है। तो इट्स ओके। सो हम दोनों का ही मूड बहुत ख़राब हो गया है। मैंने तो बोला अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या यार, देखो बाहर से मूड बना के आए किसी चीज़ के लिए और अंदर नहीं अलाउ करा तो चलो ठीक है, उनकी पॉलिसी है, बट जिन्होंने बना दिया तो उन पर क्या एक्शन ले लिया आपने, है ना। तो हम सीधा भी यहाँ से निकल रहे हैं विशाल मेगा मार्ट, अपना सामान तो लेना ही हमें। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं विशाल मेगा मार्ट और यहाँ पर ग्रॉसरी का सामान बहुत ही अच्छा मिलता है। तो उनके घर के लिए पायदान वगैरह लेने थे, तो मैं वो भी ले लेती हूँ और बाकी जो बहुत मुझे थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का सामान लेना है वो भी ले लूँगी। तो चलिए चलते हैं विशाल मेगा मार्ट के अंदर और आपको भी दिखाते हैं। सो मैं आई हूँ विशाल मेगा मार्ट, राजपुर रोड वाले हूँ। तो ये भी आ गए पार्किंग से, चलते हैं। तो शॉपिंग मैंने कर ली और मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी। फ़िलहाल मैं चलती हूँ बिलिंग काउंटर में और ये है मेरा सामान और ये भी नीचे चले गए। मेरी हो गई और अब मेरा मन है कालसंग के मोमोज खाने का। मोमो यार मजा है वैसे ही में यार। तो मूड वैसे ही खराब है, इनका तो बहुत ज्यादा है। ये मेरे साथ शॉपिंग करने बिल्कुल भी नहीं आया आज। मेरा वहीं पे मूड खराब हो गया था, सच बताऊं मैं, ठीक है। बट ये है कि अब शॉपिंग तो कर ही ली इसने, घर में जाके दिखा दी कि आपने बहुत कुछ ले रखा है इसने। और तो इसके बाद भूख लग रही है, कालसंग चलते हैं। आज मंगलवार हो गया, वरना नॉनवेज खाते हैं यार। मैं तो नॉन वेजिटेरियन और ये प्योर वेज है। तो हम जाएंगे कालसंग के मोमोज। पता है अभी पीछे पे एक शॉप लगी हुई है ना, वो नान चुरचुर नान दे रहा है कुछ, मतलब कि नान है और नान के साथ नॉन वेज आइटम। तो मेरा तो मन करा खाने का, बाद में बोलते मंगलवार है, सारा मूड खराब है। चलिए मिलते हैं आपसे कालसंग पहुँच के। तो और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है मार्केट का। तो अभी हमें राजपुर रोड में और फेस्टिवल सीजन की वजह से हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक। तो दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम कालसंग राजपुर रोड वाले में और दिवाली के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन हो रखी है, लड़ियाँ लग गई हैं और इनकी तो खासियत ही मस्त लगती है, जो झंडे लगाए रहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो ये पार्किंग में गए हैं, सो आते हैं फिर चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं कालसंग। आई थिंक मैंने पहले दिखा दिया है, बट कोई नहीं, दोबारा दिखा लेते हैं। तो यहाँ के लेटेस्ट मोमोज हमारे दोनों के ही बहुत फेवरेट है। तो आज फिर से मैं डेविल्स मोमो खाने वाली हूँ और क्या खाएंगे वो भी देखते हैं। तो दोस्तों पिछली बार हमें अच्छी सीट तो नहीं मिली थी, आई होप इस बार मिल जाए क्योंकि उस टाइम भी बहुत क्राउड था, आज भी क्राउड होगा तो नहीं मिल पाएगी। और ये देखिए ये तो चले गए ऊपर और मेरे पीछे देखिए यहाँ से दिखता है देहरादून के खूबसूरत घर। सब हम एंट्री लेते हैं। अब करते हैं ऑर्डर, क्या खाओगे? डेविल्स मोमो मंगा ले और कोई नूडल्स देख लेते हैं। नूडल्स पिछली बार तो ब्लैक मशरूम वाली मंगाया और था। इस बार देखो कितना मस्त आ रहा है, पिछली बार तो जगह ही नहीं मिली ढंग की, राम को मज़ा नहीं आ रहा, आज मज़ा आ रहा है। आज बिल्कुल कुशन वुशन मिल गए हैं, आराम से बैठ के अब इंजॉय करेंगे। और पहले ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया है। कितना ज़बरदस्त मेन्यू है और यहाँ पर इतनी वैरायटी है ना, आपको हर टाइप का फूड मिल जाएगा। टोफू, थाई, नूडल्स, फिश, लाम, पॉक, सब कुछ मिल जाएगा। और हम तो वेज खाएंगे, ये भी नॉन वेज खाते हैं, लेकिन आज है ट्यूसडे तो आज चलेगा शुद्ध शाकाहारी। मैं तो ये मंगाया ब्लैक मशरूम ही मंगाया। नूडल्स ऑर्डर कर दिया है, स्ट्रॉबेरी मोहितो, डेविल्स मोमोज और नूडल्स कराया मैंने, ब्लैक मशरूम ही कराया क्योंकि वही सही लग रहा था मुझे। ठीक है, टेस्ट अच्छा है उसका। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, क्या बहुत जबरदस्त है यार, आज बिल्कुल भी क्राउड नहीं, मतलब पूरा खाली पड़ा है, तो मज़ा आ रहा है। अच्छा तो आज मंगलवार है ना, हाँ। शायद मंगलवार के दिन यहाँ पे कम रहती है और हमारे लिए तो अच्छा है, ब्लॉग बनाने के लिए शोर थोड़ा कम है, वरना पिछली बार बहुत ही अल्लाह था क्योंकि हम 15 अगस्त को आए थे। सॉरी यार आज आपको वाला मॉल घुमा नहीं पाए। आपको क्या सॉरी, हम खुद ही नहीं घूम पाए, पर हमारा तो खुद ही मूड खराब हो गया और मेरा मन भी नहीं है उस मॉल पे जाने का। मैंने पता पिंकू जा रही थी आगे को, मैंने बोला वापस चली गया। मैंने सोचा मैं आई एम एस से पढ़ी हूँ, मेरे कॉलेज वालों का चलो घूम आती हूँ एक चक्कर, पर फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा। ठीक है चलिए मैं आपको एक यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये व्यू दिखाती है और मैं वेट करता हूँ कि कब आएगा, मैं तब तक सारा खा जाऊँगा। ठीक है ना, भूख लग रही है, तब तक मैं खा जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा। यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसीज लगी है और यहाँ पे लोगों ने उसमें अपने सिग्नेचर करे, आई लव कालसंग, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके बाद यहाँ पे इनका रिसेप्शन जहाँ पे ऑर्डर आप कर सकते हैं, वैसे ऑन टेबल ऑर्डर होता है बट अगर आपको करना है आप कर सकते हो। और ये ब्यूटीफुल सा यहाँ पे लगा है आर्टिफिशियल ट्री एंड ऊपर देखिए बहुत ही सुंदर अम्ब्रेला की डेकोरेशन है। आई डोंट नो आज अपस्टेयर क्यों बंद है, बट ऊपर और भी सुंदर है। आई थिंक क्लोज इसलिए होगा, किसी ने रिजर्व होगा। और ये है, ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल। दोस्तों स्ट्रॉबेरी मोहितो मेरा आ गया है, मज़ा आ रहा है, मैं इनको नहीं ले रही हूँ। पिछली बार पता है सब कुछ अच्छा था, मोमोज भी अच्छे थे, बट ना इसमें थोड़ा सा जो लेमन सिरप था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो इस बार मैंने पहले ही ऑलरेडी इनको बोल दिया भैया लेमन सिरप थोड़ा कम डालना, वो खट्टा ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर मज़ा नहीं आता। आई लव दिस टेस्ट यार। हमने बहुत सोचा मैकडी चलते हैं, डोमिनोज चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, फिर हमने कहा नहीं कालसंग चलते हैं। तो देखो क्या एंजॉय कर रही हो, अब मेरे से भी वेट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि टू यम। कौन सा यम है, हम वाला यम की या यम्मी वाला यम? फ़ोन को करते हैं बंद और एंजॉय करते हैं ब्यूटीफुल सी मील, डिलीशियस टेस्ट यम्मी, नो कंपेयर टू एनी अदर रेस्टोरेंट। ठंडा हो जाएगा और पहले इसको एंजॉय कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ओके ब्लॉग में बने रहना और जो भी चैनल में नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करना। तो 5 मिनट पहले आपने देखा था ये सारा भरा हुआ था, 5 मिनट में ये खाली है और इनकी हालत देखो। पेट ऐसा हो गया, इतनी भयंकर भूख लग रही थी। तो सच बताओ अगर आपको ज़्यादा भूख है ना, वरना क्वांटिटी इनकी बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक है क्वांटिटी, 2 जनों के तो मोमोज और नूडल्स में ऐसा हो गया ना, पलटान हो गया मेरा तो। सो जाओ यहीं गद्दे लगा के। भाई कामल दे दो, कामल। ब्यूटीफुल बट स्टैच्यू सो पेट पूजा हो गई बढ़िया से। गढ़वाली में कामलू बोलते ना कम्बल को ना। सो दोस्तों मैंने भी पेट भर के खा लिया, दोनों का पलटान शुरू। ऐसा ना आप सोडा पानी पीना पड़े, ऐसा ना आप सोडा पानी पीना पड़े। तो अभी थोड़ी देर आराम करते हैं यहाँ पे, फिर ही निकलेंगे, पहले थोड़ा पेट खाली हो जाए। तो चलिए, ये हमें देख रहे हैं, बोलेंगे कितनी जल्दी खा लिया इन्होंने। कैसी लग रही थी यार? निकले किसी और काम से, करा कुछ और ही। आज का दिन ही डिफरेंट रहा, मज़ा आया लेकिन अब तो जबरदस्त। चलो मिलते हैं आपसे घर पहुंच के, निकलते हैं हम घर की तरफ। कुछ खास होता है अगर रास्ते में तो आपको दिखाएंगे, वरना सीधा मिलते हैं आपसे घर में। सो बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ देहरादून कालसंग। और यहाँ का फूड ना अल्टीमेट, मज़ा आ गया। और अब थोड़ी देर खाना पचाते हैं, इसके बाद ये देखिए ये वाली रोड है, ये है कैनाल रोड।